आज के दौर की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? क्या कोई राजनीतिक दल है? क्या कुछ वे राजनीतिक दल जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं और वे चुनाव हार गए हैं, वे कमजोर हो गए हैं, यह सबसे बड़ी चुनौती है? या यह चुनौती है कि सामाजिक न्याय के मूल्यों की हत्या की जा रही है? मैं इनमें से किसी भी चुनौती को अपने लिए और अपने समाज के लिए अहम नहीं मानता। क्यों? पहली चुनौती, कोई नेता, कोई एक पार्टी, कोई एक सत्ता, मान लीजिए आज के कुर्सी पर कोई प्रधानमंत्री बैठे हैं, कोई पार्टी जीत गई है और वो पार्टी घोर आरक्षण विरोधी है, सामाजिक न्याय विरोधी है, क्या यह हमारी मूल चिंता है? मेरे हिसाब से यह नहीं है। क्या इस प्रधानमंत्री के कुर्सी पर या केंद्र की सत्ता पर इसके पहले जिन लोग बैठे थे उन लोगों ने कोई ऐतिहासिक काम कर दिए हैं क्या, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के लिए, जिसके लिए आप उन्हें अलग कोई खांचा बनाकर रखेंगे? मैं नहीं मानूंगा। ये मेरा सवाल है, गंभीरता समझिएगा। दूसरी बात, क्या ये दल, ये सत्ता में बैठे लोग सामाजिक न्याय और आरक्षण की हत्या कर रहे हैं? यह चुनौती है? मैं कहूंगा नहीं, यह भी चुनौती नहीं है। मारा जा रहा है जो, जिसकी हत्या हो रही है, हत्या जैसा शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं यह कहूं कि सामाजिक न्याय के विचार को कमजोर किया जा रहा है, आरक्षण की मूल भावना को, मूल संकल्पना को ध्वस्त किया जा रहा है, मैं इसे भी कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं मानता। और तीसरी चुनौती, जिसे आपको लगता होगा चुनौती है, कि सामाजिक न्याय की बात करने वाले राजनीतिक दल, चाहे वो क्षेत्रीय दल हो या तमाम राजनीतिक दल है, वो कमजोर पड़ रहे हैं, वे हार रहे हैं, ये भी मुझे बहुत महत्वपूर्ण चुनौती नहीं लगती। फिर से समझिएगा, मैं इन तीनों बातों को, यह नहीं कह रहा हूं कि यह कोई चुनौती है ही नहीं, ये तीनों चीजें चुनौती है, संकट है, इनका नुकसान पूरे समाज को, समाज के लोकतांत्रिक ढांचे को, सामाजिक संरचना को हो रहा है। केंद्र में बैठी सरकार से, उनके सामाजिक न्याय विरोधी व्यवहार से, नीतियों से, और सामाजिक न्याय की बात करने वाले राजनीतिक दलों के कमजोर होने से, इन तीनों से हो रहा है। लेकिन मैं इन्हें अपने वैचारिक मंथन में, जब मैं आपसे मुखातिब हूं, तो हम लोग एक विमर्श कर रहे हैं ना, इस विमर्श में क्यों ना इन सारी चुनौतियों को दूसरी पायदान पर रखें और पहली चुनौती इस बात को स्वीकार करें कि हम फेल हुए हैं अपने लोगों को उनका अतीत समझाने, बताने और सजग करने में। और इस एक वजह से ये तीनों वजह बनी हुई हैं। जिस देश में आधे से ज्यादा आबादी अन्य पिछड़े वर्ग की है, 3743 सूचीबद्ध जातियों की संख्या है अन्य पिछड़े वर्ग की, वह अन्य पिछड़ा वर्ग यह चुनौती कहे कि एक बीजेपी नाम की पार्टी सत्ता में आकर के सामाजिक न्याय और आरक्षण खत्म कर रही है? किसके लिए आप शिकायत कर रहे हैं? आपकी शिकायत किससे है? 50% आपकी जनसंख्या है। और फिर आप ये रोना रोते हैं कि वे सियासी दल जो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं वे कमजोर हो रहे हैं। अगर इसमें दलित, पसमांदा और आदिवासी तबके के वंचितों को एक कर लिया जाए तो 85% कहां है? केवल नारों में? यह आपकी मूल चिंता होनी चाहिए। तो हम चूक जो किए हैं, हमारी चूक जो हुई है, वो बौद्धिक चूक है, सांस्कृतिक चूक है, कि हम अपने अतीत को अपनी आने वाली पीढ़ियों तक नहीं पहुंचा पाए और जिसके चलते शुरू के तीनों चुनौतियां बनकर हमारे सामने विकराल रूप में आ गई। क्या आप समझ पाए मेरी बात को? अगर आपको कुछ कहना होगा तो टिप्पणी करिएगा। मैं इस स्थापना से
आज एक ऐसे शख्स पर बात करने जा रहा हूं जो मेरी स्थापना के शुरुआत से जुड़ता है, और यहीं से मैं अपने आज के विषय पर आ रहा हूं। फिर से याद करिए, मैंने क्या कहा, 85% बहुजन कहां है और आधे से ज्यादा ओबीसी आबादी कहां है, जो इस बात की चुनौती मान रहे हैं कि बीजेपी सब चुनौती है, या आरक्षण विरोधी नीतियां चुनौती हैं, या सामाजिक न्याय सम्मत राजनीतिक दलों की हार चुनौती है। मैं तीनों को नकार रहा हूं और मैं कह रहा हूं चुनौती हम खुद हैं, हमारी विफलताएं चुनौती हैं, और वह चुनौती सबसे अहम चुनौती के सामने कमजोर पड़ रही है, और वह है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पत्रिकाएं, हजार शाखाएं उन्होंने बना रखी हैं, हजार पत्रिकाएं निकालते हैं, अपने घोर दक्षिणपंथी हिंसक नफरती संविधान विरोधी मनुष्यता विरोधी नायकों पर मोटी मोटी किताबें लिख चुके हैं, घर घर पहुंचा चुके हैं। और एक संगठन सबसे ऊपर मजबूत होता है और अंदर उसकी शाखाएं काम करती हैं। और बहुजन तबके के साथ क्या हो रहा है, एक कोई संगठन ही नहीं है, अनगिनत शाखाएं काम कर रही हैं। यह हमारी विफलता है, और हमारी विफलता यह है कि हम जानते ही नहीं कि आधी आबादी के लिए शिवदयाल चौरसिया जैसे लोगों ने क्या किया। ये कौन थे शिवदयाल चौरसिया? और मैं जब इस पे बात करने के लिए इस लॉकडाउन में मैंने खूब पढ़ाई की, खोजा, तो मुझे किताब मिली, आपको उल्टी दिख रही होगी उस किताब में, यह है राष्ट्रव्यापी पिछड़ा वर्ग आंदोलन के जनक माननीय शिवदयाल सिंह चौरसिया, ध्यान से समझिएगा, लेखक है सुरेंद्र पाल चौरसिया, ये किताब है। यह किताब बाम सेफ का 2001 में एक अलग बना था, एक शाखा बनी थी, बाम सेफ ने बनाई थी, डीके खापरडे मेमोरियल ट्रस्ट। एक सवाल पूछ दूं, आपको पता है ये डीके खापरडे कौन थे? अंबेडकर से जुड़े हुए हैं, जरा खोजिएगा। विषय पर आते हैं, इस ट्रस्ट से यह किताब आई है, सुरेंद्र पाल चौरसिया ने यह किताब लिखी। और जो जिस शख्स पर हम बात करने जा रहे हैं ना, इसका रिश्ता ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार से है, शिवदयाल चौरसिया का रिश्ता। शिवदयाल चौरसिया का रिश्ता सीधा सीधा संवाद का, गुरु मानने से लेकर के वैचारिक विमर्शों का, बातचीत का, और भविष्य के लिए एक बेहतर खाका बनाने का। तो पेरियार से रिश्ता, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से रिश्ता, और बाद के दिनों में आकर के माननीय कांशी राम से रिश्ता। अंबेडकर के समानांतर समाजवादी आंदोलन और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से रिश्ता। यह एक ऐसा शख्स जो इतनी बड़ी वैचारिक यात्रा कर रहा है, क्या देश की आधी आबादी इसे जान पाई? और जब आप अपने नायक को नहीं जानते, तो क्या आपकी चुनौती आरएसएस से, आरएसएस तो है चुनौती, इसको मैं मानता हूं, क्या आपकी चुनौती बीजेपी है? क्या आपकी चुनौती आरक्षण विरोधी नीतियां हैं, या सामाजिक न्याय के राजनीतिक दल हैं? मैं एक सवाल करूंगा कि कितने सामाजिक न्याय के राजनीतिक दलों ने इस तरह के ले सत्ता आई उनके पास, इनके ऊपर क्या एक बढ़िया किताब नहीं आ सकती थी कि ये पेरियार से क्या मिलकर के बात किए थे? काका कालेलकर आयोग जो पहला राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग बना था, उसका सदस्य थे गैर कांग्रेसी सदस्य शिवदयाल चौरसिया। किताब नहीं ले सकते थे आप इस पे, एक आपकी सरकारें नहीं है, आप इन पे कोई प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रतियोगिता कराते, लोग इसी बहाने इनको जानते। और इस तरीके से इन पर बात नहीं हुई। अब मैं बहुत सरसरी तौर पर, ये मेरी कुछ भूमिका थी जिसे मैं कहना जरूरी समझ रहा था। और जानते हैं, जब आपने शिवदयाल चौरसिया से अपनी पीढ़ियों को परिचित नहीं कराया, तो आज आपको लगता है बीजेपी आपकी चुनौती है। नहीं है भाई,
आप अपनी चुनौती हैं, आप फेल हैं, आपने पढ़ा ही नहीं अपने नायकों को, आपकी पीढ़ी के लोग जानते ही नहीं कि शिवदयाल चौरसिया ने काका कालेकर कमीशन के समय क्या किया था। 1928 के आसपास बैकवर्ड क्लासेस लीग टाइप का कुछ बना था क्या? माना यह जाता है कि पिछड़ा वर्ग राजनीतिक रूप से सजग ही नहीं है, पिछड़े वर्ग में कोई सांस्कृतिक चेतना ही नहीं है, पिछड़े वर्ग ने कोई आंदोलन ही नहीं किया, पिछड़ा वर्ग सांस्कृतिक तौर पर भ्रमित रहा है। मैं नहीं मानता, मैं कहता हूं पिछड़े वर्ग में दिक्कत केवल ये रही कि पिछड़े वर्ग के बौद्धिकों, मैं खुद को उसमें शामिल करके कह रहा हूं, और आज मैं उसी वजह से आपसे बात कर रहा हूं। हमारी चूक है, हमने अपने अतीत को अपनी आज की पीढ़ियों से जोड़ा ही नहीं। शिवदयाल चौरसिया को हम नहीं जानते तो हम अपने घर में बात क्या करेंगे, हम एकेडमिक डिस्कोर्स में कहां से ले आएंगे शिवदयाल चौरसिया को कि बैकवर्ड क्लासेस लीग की स्थापना का मतलब क्या था। फूले, अंबेडकर, पेरियार से लेकर के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और कांशी राम तक सबको जोड़ने वाला एक पुल का नाम है शिवदयाल चौरसिया, हमने पढ़ा ही नहीं इनके बारे में, और हम कहते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर सजग नहीं है। मैं नहीं मानता, अन्य पिछड़े वर्ग की सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना है, और यह चेतना इस रूप में सामने आती है कि इसने जो संघर्ष किया, जिसकी वजह से ये सारी चीजें सामने आती हैं, इसको लेकर के हमें बात करनी चाहिए। अब बहुत जल्दी मैं कुछ बातें मैं बताऊंगा जिसकी वजह से, और मैं कुछ तथ्य बता रहा हूं और आखिरी में कुछ अपना कमेंट करूंगा। अब पहले जानिए शिवदयाल चौरसिया के बारे में, जितना मैंने पढ़ा समझा और जाना। लखनऊ के रहने वाले थे, लखनऊ में इनका जन्म हुआ था। जन्म को लेकर के यह किताब कहती है कि विवाद है। यह किताब दावा कर रही है कि 13 मार्च 1903 को ग्राम खरी का तेलीबाग लखनऊ में जन्म हुआ। बाकी चीजें छोड़ देते हैं। तेली जाति, तेली तमोली कहते थे ना, तो तेली हमारे यहाँ गुप्ता लोगों को भी कहते हैं, जो छोटे रूप में किराना स्टोर का व्यापार करते हैं, छोटी जातियाँ, किसान जातियाँ, और पान के काम करने वाले तमोली, और उन जाति के मनवर शिवदयाल चौरसिया जी थे। जाति समझिएगा, जाति बहुत बड़ी चीज है, जाति इतनी बड़ी चीज है कि कभी आपको ये मानने ही नहीं देती कि आप इतने बड़े राष्ट्र निर्माता भी हो सकते हैं कि एक 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 बार आने वाली पीढ़ियां ये कहें कि शिवदयाल चौरसिया तो भारत के राष्ट्र निर्माता हैं। बाधा है इसमें, वो केवल बाधा ये नहीं कि अन्य पिछड़े वर्ग ने इन्हें पढ़ा नहीं, जो सवर्ण हेजमनी है उन्होंने कभी इसे पढ़ने भी नहीं दिया। आते हैं पेरियार को, फूले को अपना गुरु मानने वाले, और डॉक्टर छेदीलाल साथी, आपको अगर याद होगा तो बिहार में एक आयोग बना था डॉक्टर छेदीलाल साथी आयोग, जो अति पिछड़े वर्ग को लेकर के बहुत सजग था, वो कुछ याद करते हुए कहते हैं कि बहुत 6 फीट के थे, और इनके वैचारिक जो शिवदयाल सिंह चौरसिया जी का था, ये अछूत और सछूत जातियों को एक होकर के एक साथ लेकर के लड़ने, काम करने, संघर्ष करने की बात सामने रखते हैं। 1958 में पेरियार उत्तर प्रदेश में आए, रिपब्लिक पार्टी के नेता छेदीलाल साथी के साथ मिले, और उस समय चौरसिया जी उस पूरे बातचीत के साथ जुड़े रहे। चौरसिया जी 1928 में लखनऊ के भदंत बोधानंद महास्थवीर के साथ नागपुर गए और भीमराव अंबेडकर से मिले, डिप्रेस क्लास लीग, और उसके बाद उनके फेडरेशन में डॉक्टर अंबेडकर के साथ काम किया डॉक्टर शिवदयाल सिंह चौरसिया ने। पेरियार को उत्तर भारत में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में बुलाने वालों में भूमिका है शिवदयाल सिंह चौरसिया जी की। उत्तर प्रदेश में शोषित संघ को भी संगठित किया और उसके अध्यक्ष रहे, जिसके छेदीलाल साथी कई वर्षों तक महामंत्री रहे, दोनों साथ में काम करते हैं। बैकवर्ड क्लासेस लीग की स्थापना बहुत महत्वपूर्ण काम है, और जिसके चलते मैं इस एक शख्स को पढ़ना, लिखना और याद करना चाहूंगा, और आपसे भी अपील करूंगा इसको, इस इतिहास को पढ़िए, बैकवर्ड क्लासेस लीग को। रजिस्टर्ड एडवोकेट का काम करते थे, लेकिन बाद में इन्होंने अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक भूमिका ही महत्वपूर्ण बना ली और उसमें ही लग गए, और बोधानंद के साथ काम करने लगे।
राम मनोहर लोहिया से विवाद हुआ। अब एक एक पॉइंट पर आते हैं, थोड़ा जल्दी ले आता हूँ। राम मनोहर लोहिया से विवाद किस बात पर हुआ था पता है? हम पिछड़े वर्ग के लोग इस बात को सेलिब्रेट करते हैं और करना भी चाहिए कि सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे सौ में साठ। जरूरी बात, बहुत अहम नारा है, महत्वपूर्ण नारा है। पता है शिवदयाल सिंह चौरसिया और इनके डॉक्टर छेदीलाल साथी, ये लोग क्या कह रहे थे अपने साथी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से, जिसके बाद ये उनसे अलग भी होते हैं। लोहिया एक ऐसे बड़े स्कूल का नाम है जिनकी कुछ चीजों से आप असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हम शिवदयाल सिंह चौरसिया पर बात करें तो ये कहते थे 85% की जनसंख्या वाले समाज को कम से कम 80% तक आरक्षण देकर अगर आप विशेष संरक्षण नहीं देंगे तो आपके समाजवाद का नारा निरर्थक होगा। यह व्यक्ति जो 85% आरक्षण की बात कर रहा था, यह व्यक्ति जो सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से इस बात पर सवाल उठा रहा था कि जिसकी आबादी 85% है उसको आप हक नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा। याद करिए बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को, डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा को, जिनके विवाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से इन्हीं बातों पर। और मैं इन्हें विवाद नहीं कहूंगा, मैं इन्हें ये कहूंगा कि ये तो अच्छी चीज थी। लोहिया ने इस नारे को रखा, लोहिया की तारीफ। और अगर जो 85% 80% की बात करेगा, हम उसे कहेंगे कि उसका विजन ज्यादा बड़ा था, वह है शिवदयाल सिंह चौरसिया। समाजवाद पर गंभीर सवाल उठाने वाले लोगों में अपने दृष्टिकोण से तमाम लोग हुए, लेकिन शिवदयाल सिंह चौरसिया ने उस पर सहमति के साथ काम करते हुए बैकवर्ड क्लासेस लीग और उसके बाद कांग्रेस के साथ जोड़ करके 1984 जी का राज्यसभा सांसद रहे। 1974 से 1980 तक राज्यसभा में भेजा था कांग्रेस ने इन्हें। बिरला को हराया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के टिकट पर, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा का चुनाव जीता था। रायबरेली से इंदिरा गांधी के खिलाफ भी चुनाव लड़ चुके थे शिवदयाल सिंह चौरसिया जी। आदि हिंदू सभा का डिप्रेस क्लास में विलय करवाया था। कुछ बातें मैं पढ़ता हूं, बहुत गंभीरता से इसको समझिएगा और इसको आगे हम लोग समझेंगे। आदि हिंदू सभा इन्होंने जब बनाई, उस समय ब्राह्मणों ने कहा कि वे हिंदू नहीं आर्य हैं और आदि हिंदू सभा से जुड़ने के लिए मना कर दिया। शिवदयाल सिंह चौरसिया ने कहा कि हम आप लोगों अर्थात आर्यों के भारत आक्रमण काल के पूर्व से ही भारत आए हैं, भारत में रहते आए हैं, इसलिए हम भारत के मूल निवासी हैं। मूल निवासी थ्योरी पर शिवदयाल सिंह चौरसिया बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं और हम इस देश के मालिक भी हैं। मैं जब आज की चिंता अपनी साझा करने की कोशिश करता हूं तो अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों से यह अपील करता हूं कि देखिए, आप केवल अपने वैचारिक नायकों को पढ़ेंगे तो इसका ही फायदा नहीं होगा कि आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आप सूचनाएं जानेंगे, आप अपना अतीत जानेंगे, नहीं। इससे गहरा मनोवैज्ञानिक लाभ क्या होता है पता है? आपको ऊर्जा मिलती है, आपको दिशा मिलती है। ये हिम्मत थी भाई हमारे पुरखों की, जो सीधे सीधे कहते थे कि हम इस देश के मालिक हैं, हम मूल निवासी हैं और आप हमें हिंदू हैं कि नहीं है ये साबित कर रहे हैं। आज की पीढ़ी को इसलिए पढ़ना जरूरी है। और 1927 में इन्होंने सबको संगठित करके काम शुरू किया। 28 में आदि हिंदू सभा का नाम बदलकर डिप्रेस क्लासेस लीग पढ़ना चाहिए, जो बैकवर्ड क्लासेस लीग से जुड़ता है। और 28 में भारतीय डिप्रेस क्लासेस लीग का सम्मेलन हुआ जो नागपुर में डॉक्टर अम्बेडकर के नेतृत्व में, उसमें शामिल हुए डॉक्टर शिवदयाल सिंह चौरसिया। फिर साइमन कमीशन से इनका एक इतिहास जुड़ता है। साइमन कमीशन को हमने इतिहास के किताबों में इस रूप में पढ़ा कि साइमन कमीशन का विरोध हुआ, जो कि एक तर्क में ठीक भी लगता है कि उसमें कोई भारतीय नहीं था, इसलिए उसका विरोध हुआ। साइमन गो बैक। मैं एक और बात देखता हूँ, साइमन कमीशन का दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों ने स्वागत क्यों किया? क्या भारतीय राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के नायकों को इस बात को समझने में क्यों देर हुई, या वो समझना नहीं चाहते थे, या वो चाहते नहीं थे कि पिछड़े, दलित, आदिवासी,
अपने रिप्रेजेंटेशन दे। मैं देख रहा हूं कि साइमन कमीशन का स्वागत करने वालों में शुदयाल सिंह चौरसिया है। 5 जनवरी 1928 को लखनऊ में इनका स्वागत हुआ और उसमें ये भी थे। इन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन दिया और उस रिप्रेजेंटेशन में इनके पिता के प्रयास से बरई तमौली महासभा के सेक्रेटरी श्री जंगी लाल चौरसिया ने असमानता और भेदभाव को लेकर के अपनी मांग रखी थी, जिसमें बहुत सारे लोगों का नाम है। साइमन कमीशन इस किताब के पेज नंबर 42 पर मैं पढ़ रहा हूँ कि इसका स्वागत किया साइमन सर को, सछूत और अछूत शूद्रों के बीच फर्क समझाया शुदयाल सिंह चौरसिया ने, और इस प्रकार साइमन कमीशन के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई और गवाहियां दी, मेमोरेंडम दिया। सछूतों ने इससे नाराज होकर के शिवदयाल सिंह चौरसिया के विरुद्ध दफा 500 की नोटिस दे दी और इनके ऊपर मुकदमा हुआ और इनके खिलाफ लोग खड़े हो गए। लेकिन खैर ये तो होता रहा है। साइमन कमीशन के रिकमेंडेशन जो दिया है इन लोगों ने, इसके आधार पर शिवदयाल सिंह चौरसिया को गोलमेज सम्मेलन में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गोलमेज सम्मेलन में लंदन भी बुलाया गया, लेकिन कुछ कारणों से जा नहीं पाए। पेज नंबर 44 ये किताब बता रही है। एक बड़ा कद, एक बड़ा वैचारिक दृष्टिकोण, और इस वैचारिक दृष्टिकोण के आधार पर इन लोगों ने काम किया। शिवदयाल सिंह चौरसिया नवरत्न कमेटी का गठन करते हैं। पेज नंबर 48 नवरत्न में जातियों का जिक्र देखिए, कौन लोग हैं। एक राजनीतिक दलों को भी सोचना चाहिए, अगर आपकी इमेज ये बन रही है कि अन्य पिछड़े वर्ग में कुछ लोग, कुछ जातियों के लोग आगे आ रहे हैं, तो आपको देखना चाहिए ये कमेटी। देखिए शिवदयाल सिंह चौरसिया, गौरी शंकर पाल, रामचरण मल्लाह, बदलू राम रसिक, महादेव प्रसाद धानुक, छंगालाल बहेलिया, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, बदलू रास रामचंद्र बनौदा, स्वामी अछूतानंद। ये एक समूह था, ये एक एकजुट एका थी जो लोग मिलकर के इसका नवरत्न कमेटी थी। 8 दिसंबर 1929 को बैकवर्ड क्लासेस लीग का अधिवेशन किया, और किस तरह से बैकवर्ड क्लासेस लीग को लखनऊ में उसका कार्यालय बनाया। 1932 3 फरवरी 1932 को डॉक्टर अंबेडकर को बुलाने वालों में, उनके साथ बातचीत करने वालों में, उस आयोजकों में शिवदयाल सिंह चौरसिया सबसे प्रमुख थे। विश्वनाथ मंदिर के आंदोलन के प्रवेश से भी जुड़े हुए हैं, और जब अंबेडकर ने इस बात को समझा कि हम मंदिर आंदोलन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, और मंदिर आंदोलन को छोड़ दिया अंबेडकर ने, शिवदयाल सिंह चौरसिया ने भी मंदिर आंदोलन फिर कभी नहीं किया। ये विश्वनाथ मंदिर का मामला था। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 25 अप्रैल 1948 को जब यहाँ पर लखनऊ में हुआ, और जिसमें अंबेडकर आए थे, उसमें भी इन्होंने काम किया। और 26 जनवरी 1950 को दीवान चंद हॉल दिल्ली में अखिल भारतीय बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन का अधिवेशन हुआ। आज अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को ही नहीं पता है कि उनके समाज के लोग कितना राजनीतिक और सांस्कृतिक तौर पर सजग थे। एक बार ठहर के सोचिए, आप अतीत से कटेंगे ना तो आप वर्तमान में ना तो दिशा पाएंगे ना तो मनोवैज्ञानिक ऊर्जा। फिर से सुनिए, 26 जनवरी 1950 को अखिल भारतीय बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन, इसका अधिवेशन होता है दिल्ली में। शिवदयाल सिंह चौरसिया को यहाँ कार्यवाहक सभापति चुना जाता है। 16 मई 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में इसका एक सम्मेलन होता है, जिसमें तब के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसमें शामिल होते हैं। 30 अगस्त 1953 को चौरसिया जी को के निर्देशानुसार बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन का सम्मेलन लखनऊ में होता है, जिसमें जयराम वर्मा इसके नेता चुने जाते हैं। सेंट्रल लीगल एड सोसाइटी की स्थापना मिलकर के इनकी टीम के लोग करते हैं। विजन देखिए इस तरह के लोगों का। वल्लभ भाई पटेल जब मना करते हैं कि दलितों का आरक्षण तो ठीक है, पिछड़े वर्ग का आरक्षण नहीं होगा, संविधान सभा की बहस में ये बात आती है, तो पेरियार जिस लड़ाई को लड़ रहे थे उत्तर भारत से, उस लड़ाई को लड़ने वाले प्रमुख नामों में है शिवदयाल सिंह चौरसिया,
और वो रिप्रेजेंटेशन देते हैं संविधान सभा की बहस में कि पिछड़े वर्ग को क्यों आरक्षण की जरूरत है, क्यों पिछड़ा वर्ग जाति की वंचना के आधार पर सामाजिक रूप से वंचित है, आर्थिक रूप से वंचित है, अधिकारों से वंचित है। तो उस टीम में, उस समूह में शिवदयाल सिंह चौरसिया भी थे और जिसके चलते पेरियार वाली परंपरा जुड़ रही है। पेरियार उस समय इस सवाल को बहुत ताकत से उठा रहे थे और पहला संविधान संशोधन अगर आपको याद होगा आर्टिकल 15(4) जिसके लिए ऐड हुआ, पेरियार का दबाव। उत्तर भारत में अन्य पिछड़ा वर्ग इस बात के लिए आपके नायक लड़ रहे थे कि आपका हक हकूक क्या हो। हिंदू आज पिछड़े वर्ग के लोग गर्व से कहो हम हिंदू हैं, वो दंगाई हो जा रहे हैं, वो एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के झूठ में फंस जा रहे हैं, अपने अतीत से कट जा रहे हैं। मैं इस चीज को समझ नहीं पाता, इसलिए मैंने बातचीत की शुरुआत में कही थी चुनौतियां वे नहीं है, चुनौतियां हमारे ऊपर हमला करने वाले नहीं है, चुनौतियां हम हैं कि हमने अपने अतीत को अपनी पीढ़ियों तक पहुंचाने नहीं दिया। पढ़िए ना शिवदयाल सिंह चौरसिया को और इस पूरे संघर्ष के चलते किस तरह से संविधान सभा की बहस में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आर्टिकल 340 महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जिसके आधार पर जब कमीशन बना, काका कालेलकर कमीशन, और उसके पहले गैर कांग्रेसी सदस्य के रूप में शिवदयाल सिंह चौरसिया शामिल होते हैं। फिर 1953 में दिल्ली में आकर के वो डॉक्टर अम्बेडकर से मिलते भी हैं कि कैसे इस पूरे खांचे को बनाया जाए। शिवदयाल सिंह चौरसिया जमीन पर काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, अन्य पिछड़े वर्ग की जातियों को सूचीबद्ध करते हैं और काका कालेलकर के अगेंस्ट एक अलग अप्रोच से उस पिछड़े वर्ग आयोग में काम करते हैं। एक किस्सा इसमें लिखा हुआ है, जब पिछड़ा वर्ग आयोग, पहले पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट तैयार हो गई तो दो सदस्य दिल्ली में नेहरू से मिलने गए थे 1955 के बाद, काका कालेलकर और शिवदयाल सिंह चौरसिया। तो इसमें किस्सा लिखा है कि पेज नंबर 54-55 पर कि किस तरह नेहरू इस बात से नाराज हुए और शिवदयाल सिंह चौरसिया अपने पक्ष रखना चाहते थे कि वो क्यों आरक्षण की बात कर रहे हैं, उनको सुनाई नहीं गया और नेहरू ने इस चीज को मानने से मना कर दिया। इस संघर्ष को क्या अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों ने कभी समझा कि शिवदयाल सिंह चौरसिया जैसे एक नायक को क्यों पढ़ना चाहिए? ध्यान से समझिए, पेरियार की यात्रा, 1928 की बैकवर्ड क्लासेस लीग की स्थापना, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना, आर्य अनार्य संस्कृति में आम पिछड़े वर्ग के लोगों को एकजुट करके मूल निवासी संकल्पना पर ले आना, बौद्ध दर्शन, बौद्ध धर्म की दार्शनिक पद्धतियों को जातिगत और सामाजिक बराबरी के टूल के रूप में इस्तेमाल करना, ये शिवदयाल सिंह चौरसिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सामने इस बात के लिए वाद विवाद संवाद करना कि 85% पिछड़ों को क्यों नहीं, 80% क्यों नहीं, 60% क्यों आरक्षण हो, यह है शिवदयाल सिंह चौरसिया। पेरियार को से जुड़ करके काम करने वाले शख्स, लखनऊ में पेरियार के साथ काम किया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ काम किया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के साथ काम किया, इसका मतलब आप समझते हैं। मैं केवल ये नाम गिनवा करके ये नहीं कहना चाहता कि शिवदयाल सिंह चौरसिया इसलिए बड़े हो गए कि उन्होंने इतने बड़े लोगों के साथ काम किया, नहीं, एक विजन था कि उस सामाजिक तबके के लिए हमें काम करना है जो सामाजिक तौर पर वंचित केवल इसलिए हुआ क्योंकि वो पिछड़ी जातियों के लोग थे और पिछड़ी जातियों के लोगों की सामाजिक सांस्कृतिक चेतना का काम किया और जिसके चलते माननीय कांशीराम के साथ अपने जीवन के बाद के चरणों में उन्होंने काम किया। पूना में पहली मुलाकात होती है और इन्होंने कांशीराम जी को लखनऊ बुलाया शिवदयाल सिंह चौरसिया ने। पहले आगमन पर उन्होंने अपने ट्रेनिंग सेंटर पर ही व्यवस्था की शिवदयाल सिंह चौरसिया ने कांशीराम के लखनऊ आगमन पर, जिसे कई लोग कांशीराम आवास के नाम से भी जानते थे। विट्ठल चौरसिया ने अपने सांसद काल में कांशीराम जी को उपयोग हेतु दिल्ली स्थित विट्ठल भाई पटेल हाउस का अपना फ्लैट भी दिया था। ये एक बात है, एक रिश्ता था, किसका दृष्टिकोण का, एक रिश्ता था साझा ख्वाब का कि हमें इन सब के वंचित शोषित को मिलकर के बात करना। बैकवर्ड क्लासेस, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयज एसोसिएशन, बामसेफ,
और बामसेप से जुड़ करके काम करने वाले लोगों की संख्या में किस तरह से शिवदयाल सिंह चौरसिया ने काम किया। शिवदयाल सिंह चौरसिया, कांशीराम जी एक दूसरे को गुरु जी कहकर आपस में बात करते थे और दोनों ये मानते थे कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था को जब तक आमूल चूल बदलाव के तहत खारिज नहीं किया जाएगा तब तक इस देश में वंचितों के सामाजिक हक सुरक्षित नहीं होंगे। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और फिर जीवन के आखिरी समय में किस तरह से बामसेब के साथ लगातार संघर्ष किया, काम किया, और जब बीमार थे तो डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह उस समय उनसे मिलने आए। 18 सितंबर 1995 को डॉक्टर शिवदयाल सिंह चौरसिया हमेशा के लिए हमें छोड़ करके चले गए। मैं जब बात करूंगा, अंतिम कमेंट अगर करना चाहूंगा, किताब का जिक्र एक बार फिर से कर रहा हूँ, पतली सी किताब है, डी के खापरडे मेमोरियल ट्रस्ट से छपी हुई है, जिसके लेखक है सुरेंद्र पाल चौरसिया, राष्ट्रव्यापी पिछड़ा वर्ग आंदोलन के जनक शिवदयाल सिंह चौरसिया। क्लोजिंग रिमार्क, जाते जाते आपसे बस ये कहूंगा, मैंने अभी कुछ नहीं बताया शिवदयाल सिंह चौरसिया के बारे में आपको, क्योंकि असल में मुझे कुछ पता ही नहीं। इस किताब के आधार पर मेरे मन में एक उत्सुकता जागी है कि आज हमारे पिछड़े वर्ग के आम युवाओं को हम यह बात नहीं समझा पा रहे हैं कि आपकी असली चुनौती बीजेपी नहीं है, आपकी असली चुनौती सपा बसपा राजद का और बामसेब का कमजोर होना नहीं है, सामाजिक न्याय की हत्या होना या नीतियों का, आरक्षण विरोधी नीतियों का नहीं होना। आपकी असली चुनौती यह है कि आप अपने इतिहास से कटे हुए हैं। आपकी असली चुनौती यह है कि आपको पता ही नहीं कि आपके नायक कौन है। फूले अम्बेडकर पेरियार को अगर आप मान करके काम करने वाले अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को, अभी मैं उनसे एड्रेस कर रहा हूं, कल मुझे ट्विटर पे गाली मिली, गालियां मिलती रहती हैं, वो उसका कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, हमारे पुरखों ने क्या क्या सहा है तो हम भी सहते हैं। क्या लिखा था पता है? अहिर बोला और तर्क की बात करा, जाके भैंस चराओ, दूध बेचो, मैं और गालियां थी, गालियां मैं छोड़ दे रहा हूं। मैं जानते हैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, आप जो होना चाहते हैं ना वह वो नहीं होने देंगे, ना वो कभी मानते हैं आपको। हिंदुओं एक हो जाओ, मुस्लिम तुम्हारा दुश्मन है, हिंदुओं एक हो जाओ, चलो मंदिर का आंदोलन करते हैं, चलो मंदिर बनाने के लिए सड़क पर करते हैं, हिंदू धर्म खतरे में, चलो एक धर्म बचाने चलते हैं। लेकिन जैसे ही आप कुछ तार्किक बात करेंगे वो आपकी जाति को लेकर के आपको गाली देते हैं। जब अहिर को इस तरह गाली देते हैं तो कुम्हार लुहार बढ़ई नाई तेली तमोली निषाद मल्ला, आपको पता है इन जातियों के नाम पर गालियां देने का काम किया गया है और अन्य पिछड़े वर्ग के लोग भी भटक गए इसमें। मैं आपसे एक अपील कर रहा हूं, सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। निजीकरण हो रहा है, सरकारी नौकरी नहीं है, आरक्षण लेंगे कहां, मंदिर बनाइए, गर्व से कहिए हिंदू है, सारे पीएसयू बेचे जा रहे हैं, आपकी नई शिक्षा नीति के जरिए सारे विश्वविद्यालय बेच दिए जाएंगे। देखिएगा 10 साल बाद 15 साल बाद आपको मेरी बात समझ में आएगी कि मैं नई शिक्षा नीति का विरोध क्यों करने को कह रहा था। शिक्षा आपके हाथ में नहीं, रोजगार आपके हाथ में नहीं, आपके हाथ में कहीं आपके ब्यूरोक्रेट नहीं, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और आपको बार बार ये गमान होता है कि आप छत्री हैं, आप शूद्र नहीं है, मत मानिए शूद्र, छोड़ दीजिए वर्ण व्यवस्था की, किसान तो है, पिछड़ी जातियों के तो हैं। शिवदयाल सिंह चौरसिया जो काम करना चाहते थे वो ये था कि फूले अंबेडकर पेरियार, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मान्यवर कांशी राम के सपनों का भारत बने। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जो खाब देखा था शिवदयाल सिंह चौरसिया ने, बैकवर्ड क्लासेस लीग, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, उस खाब पर क्यों नहीं आते और चलिए क्यों ना एक नई शुरुआत करें दोस्तों। वरना दुश्मन की ताकत एक बात है, और मैं अभी भी कह रहा हूं असली चुनौती अगर कोई है तो वो आरएसएस है।
6 लाख से ज्यादा उनके स्कूल हैं जहां वो इस तरह अपने नायकों को आप अपने नायकों को ही छोड़िए, आरएसएस वाले क्या करते हैं पता है, इनकी कोई बात उठाएंगे, 10 पन्ने इन पर मटेरियल लिखेंगे, 5 जन में छपेगा, लाखों प्रतियों में पूरे देश में बिकेगा, और पता है क्या कहा जाएगा, शिव दयाल सिंह चौरसिया तेली तमोली जाति के होते हुए भी एक कट्टर हिंदू थे, और यही पढ़ करके लोग भटक जाएंगे, क्योंकि आपने तो वो क्या थे आपने अपने लोगों को बताया ही नहीं, और वो काम आरएसएस कर रहा है। मेरी बात पर विश्वास ना हो तो गूगल करके देखिएगा, हर जाति का इतिहास आरएसएस ने लिखवाया है। हम अपनी जातियों को एक नहीं कर पा रहे, हम शिव प्रसाद चौरसिया को, शिव दयाल सिंह चौरसिया को, अगर मैंने अपने वक्तव्य में एक आध बार नाम गलत बोला होगा तो मैं बहुत माफी चाहूंगा, शिव दयाल सिंह चौरसिया इनका पूरा नाम है। मान्यवर शिव दयाल सिंह चौरसिया को हम राष्ट्र निर्माता के रूप में क्लेम नहीं कर पा रहे और हमारी आधी आबादी है। तो ये मेरी बात जाते जाते कि पेरियार फूले तो पहले थे, पेरियार के साथ जिन्होंने काम किया, अम्बेडकर के साथ काम किया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और कांशीराम के साथ काम किया, उस नायक को पढ़ने की जरूरत है और ठहर कर सोचने की जरूरत है कि क्यों ना हम कुछ एक नई शुरुआत करें। वह नई शुरुआत अपने अतीत को जानने की हो, वह नई शुरुआत आपको ऊर्जा देगी, आपको हिम्मत देगी, और आंख में आंख डाल करके बोल पाएंगे कि तुम हमारे हक के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, हम तुम्हें यह खिलवाड़ करने नहीं देंगे। हमसे किस मुसलमान ने आपका हक छीना है मेरे भाई, एक बार खोज के देखिए, अन्य पिछड़े वर्ग के हक हुकूक को किस मुसलमान ने मारा है। पसमांदा तो वैसे भी हमारे साथ है, पिछड़े वर्ग में शामिल होते हैं, और हमें हिंदू बनाकर के उनके खिलाफ नफरत में झोंका जा रहा है। सजग होइए, सांस्कृतिक आंदोलन सजग करिए, सामाजिक आंदोलन सजग करिए। शिव दयाल सिंह चौरसिया, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, रामस्वरूप वर्मा, पेरियार ललित सिंह यादव, तमाम लोग हैं, उनको पढ़िए और इस अधूरे ख्वाब को पूरा करने की शुरुआत करिए। जाते थे फिर से कहूंगा, आपकी चुनौती बीजेपी नहीं है, सामाजिक न्याय विरोधी नीतियां नहीं है, सामाजिक न्याय के नाम पर काम कर रहे राजनीतिक दलों का हारना नहीं है। आपकी चुनौती ये है कि हम सब खुद हारे हुए लोग हैं, हम पढ़ते नहीं, हम अपने युवाओं को समझाने में विफल हैं, हमारी भाषा में किसान नहीं है, हमारी भाषा में मजदूर नहीं है, हमारी भाषा में युवाओं से बात करने की शैली नहीं है, हम पुरानी भाषा में बात करते रहते हैं, हम अपने नायकों को जानते नहीं हैं, इसलिए हम फेल हैं। हम जिस दिन मजबूत हो जाएंगे तो हमारी चुनौती है आरएसएस, हमारी चुनौती है इस तरह के लोग। तो आरएसएस तोते के वह तोता है जिसमें बीजेपी की जान है, जिसमें आरक्षण विरोधी नीतियों की जान है, सबकी जान है, तो उस तोते को मारना है। फिर से मारने वाली शैली में मत जाइए। सांस्कृतिक आंदोलन, आधी आबादी आपकी है पिछड़े वर्ग के लोगों, अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों, आधी आबादी है देश में आपकी, जो आप चाहेंगे वो होगा। इसलिए थोड़ी देर के लिए अपने नायकों को पढ़ना तो शुरू करिए, फिर से खोजिएगा बैकवर्ड क्लासेस लीग क्या है, क्या शिवदयाल सिंह चौरसिया ने क्या लिखा है, उनकी लेखनी नहीं है हमारे पास, उनका मैटेरियल ही नहीं है, और उनको पढ़ें समझें और एक नया भारत बनाएं। आइए 5-10 साल का एक नया काम शुरू करते हैं, उसके बाद देखिएगा ये देश आपका होगा, देश के वंचितों दलितों पिछड़ों आदिवासियों का होगा। सामाजिक न्याय आंदोलन मंच बिहार, सैल्यूट है आपको, बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद, जय भीम, जय मंडल, जय संविधान।